क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी पुरान को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों वेस्ट इंडीज बनाम अफगानिस्तान के बीच में ग्रुप सी का मैच था 40वां सेंट लुसिया के मैदान पर, जिसमें निकोलस पुरन ने अपनी ताबड़तोड़ शानदार बल्लेबाजी का अंदाज दिखाया। तो बताते हैं आपको पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने जीता और टॉस को जीतते ही उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और यही उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। दोस्तों हालांकि शुरुआत में गेंदबाजी अच्छी हुई अफगानिस्तान द्वारा, जहां उन्होंने ब्रैंडन किंग यानी कि पहले सलामी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के ब्रैंडन किंग को 7 रन पर उमरजाई के हाथों बोल्ड करा दिया। लेकिन उनके बाद तीसरे नंबर पर आए निकोलस पुरन और इन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की, ऐसे चौके और छक्के लगाए जिसे देखकर अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान का चेहरा गम से छोटा हो गया। दोस्तों इस मुकाबले में खतरनाक शानदार जानदार बल्लेबाजी कर रहे थे निकोलस पुरन और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे ब्रैंडन किंग के बाद जॉनसन चार्ल्स। हालांकि जॉनसन चार्ल्स 43 रन बनाकर नवीनुल हक की इस गेंद पर गुलबदन नैब को कैच देकर 43 रन बनाकर 27 गेंदों में आउट हुए, लेकिन ये शुरुआत बेहतरीन देने में सक्षम हो पाए थे। दोस्तों उनके बाद शाई होप भी 25 रन बनाकर 17 गेंदों में, वैसे ही गुलबदीन को सिर्फ करीब से कैच देकर आउट हो गए थे 25 रन बनाकर। दोस्तों ये तो विकेट जा रही थी, लेकिन दूसरे एंड से तहलका मचा रहे थे अपनी बल्लेबाजी से निकोलस पुरन। राशिद खान के एक ओवर में इन्होंने 24 रन जड़े और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अंतिम ओवरों में अपनी बल्लेबाजी का तांडव दिखाया निकोलस पुरन ने। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पुरन ने चौके और छक्के ना लगाए हो। हर किसी को हैरान कर देने वाली बल्लेबाजी की पुरन ने। 252 गेंदों पर 58 रन तक पहुंच चुके थे, सिर्फ 2 रन दूर थे अपने शतक से। सिंगल को डबल करने के चक्कर में डाइव लगा बैठे, उतने में ही गेंदबाज ने डायरेक्ट हिट मार दी और जब थर्ड अंपायर के पास डिसीजन गया तो काफी दूर रह गए पुरन और हो गए रन आउट। मात्र 2 रन दूर अपने शतक से चूक गए पुरन अंतिम ओवर में। 58 रन बनाकर 53 गेंदों में 8 छक्के व 6 चौके लगाकर पुरन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का अंत किया और वेस्टइंडीज को पहुंचाया 218 रन तक, जो कि इस साल के T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल है। 200 ऐसे में टारगेट का पीछा करते वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने पूरी अफगानिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। मात्र 114 रन पर ही पूरी अफगानिस्तान की टीम ऑल आउट हुई और अंतिम ओवर में 104 रनों से वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले को जीत लिया। एक बहुत ही विशाल जीत वेस्टइंडीज को मिली और इस जीत का पूरा श्रेय निकोलस पुरन को जाता है, क्योंकि उन्होंने लाजवाब ताबड़तोड़ शानदार व बेहतरीन पारी खेली और इन्हीं को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन दोस्तों आप पुरन की इस खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं और ऐसी क्रिकेट की खबरें चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप काफी धूम धड़ाके से चल रहा है, लेकिन अगर आप भी निकोलस पुरन को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज बनाम अफगानिस्तान के बीच में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का 40वां मुकाबला ग्रुप सी से रोमांचक रहा। दोस्तों वेस्ट इंडीज के मैदान पर ही खेला गया मुकाबला है सेंट लुसिया के मैदान पर, जहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों वेस्ट इंडीज की शुरुआत जॉनसन चार्ल्स ने ताबड़तोड़ दिलाई थी 43 रन लगाकर 27 गेंदों में और अपने आप को प्रमोट करते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पुरन आए एक विकेट जाने के बाद तीसरे नंबर पर और यहां हुआ बड़ा हंगामा। दोस्तों आधे ही निकोलस पुरन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का अंदाज मैदान पर दिखाया। मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का, ऐसी बल्लेबाजी तो आज तक उन्होंने IPL में नहीं की जैसी उन्होंने आज यहां की थी। दोस्तों अफगानिस्तान के पास बड़े बड़े गेंदबाज हैं जैसे कि नवीनुल हक, अजमतुल्लाह जज़ाए, फजल हक फारूही और सबसे बड़े गेंदबाज तो राशिद खान और मोहम्मद नबी है, इनको तक नहीं बख्शा निकोलस पुरन ने। दोस्तों निकोलस पुरन ने इस मुकाबले में 58 रन जड़ दिए 53 गेंदों पर। आखिरी ओवर की 14 गेंद पर वो 2 रन चुराने के चक्कर में रन आउट हुए अजमतुल्लाह के हाथों, जिसके चलते वो चूक गए अपने शतक से मात्र 2 रन से, वरना इनका शतक भी बन जाता। मात्र 53 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली निकोलस पुरन ने, 8 छक्के 6 चौके लगाए, वेस्ट इंडीज को पहुंचाया 218 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों 200 के पार पूरी तरह से पहुंच गई वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ निकोलस पुरन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते। और ऐसे में जब गेंदबाजी करने उतरी अफगानिस्तान को चारों खाने चित कर रख दिया वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने। मात्र 114 रन पर ही पूरी पाकिस्तान की टीम को ऑल आउट कर रख दिया, जिसके चलते 104 रनों से वेस्ट इंडीज ही मुकाबला जीत गई। निकोलस पुरन को इस बड़ी जीत के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन दोस्तों आप निकोलस पुरन की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब।